एक मिनट, ये पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज पर। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ये दोनों वो आरोपी जो गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी हैं। और देखिए, पुलिस एनकाउंटर के बाद इनकी ये पहली तस्वीर आई है। पैर में इनके गोली लगी हुई है, घायल है फिलहाल ये, किसी गाड़ी में लेटे हुए हैं, इनको अस्पताल ले जाया जा रहा होगा। इन्होंने भागने की कोशिश करी और उस भागने की कोशिश में पुलिस के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। साथ में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बहराइच के कसूरवारों का हिसाब, ये पहली तस्वीर घायल आरोपियों की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप जी न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सरफराज और तालिब का ये एनकाउंटर हुआ जिसमें इन दोनों को एक गोली लगी है। पुलिस ने इनको पहले वार्निंग दी, इन्होंने भागने की कोशिश की और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें ये दोनों घायल हुए हैं। और देखिए, ये आपको सरफराज और तालिब की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गोली लगने के बाद की ये तस्वीर है, यानी पुलिस एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। उपचार इनका चल रहा है और अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये घायल आरोपियों की तस्वीर एक्सक्लूसिव हम इस समय जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप ये सबसे पहला अपडेट भी इस समय जी न्यूज पर जान लीजिए। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जो है तालिब और सरफराज, जिनको इस समय गोली लगी हुई है एनकाउंटर के बाद, उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से मैं प्रीति का रुख कर लेती हूँ। और देखिए, ये नीली कमीज में जो आपको लेटा हुआ आरोपी दिखाई दे रहा है, ये सरफराज है। ये वही सरफिरा है जिसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी है, जिसके ऊपर ये आरोप है। हालांकि एसपी ग्रामीण का ये कहना है कि अभी जांच होगी, पूछताछ होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि गोली किसने चलाई थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जो काली ब्लू जो है वो ब्लू कमीज में आपको जो दिख रहा है वो सरफराज है और काली कमीज में जो शख्स आपको लेटा हुआ आरोपी दिखाई दे रहा है वो तालिब है। यानी ये जो दो वो आरोपी है जिनको एनकाउंटर में गोली लगी है, बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाया और अब आगे की जांच इन 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। नीली कमीज में आप देख सकते हैं आरोपी सरफराज इस समय चित पड़ा हुआ है। पुलिस कार्रवाई में इसको गोली लगी है पुलिस एनकाउंटर में। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो काली टी शर्ट में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये आरोपी तालिब है जिसको आज गोली लगी है। जल्दी से मैं प्रीति का रुख कर लेती हूँ। प्रीति, ये जी न्यूज के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सुन लेते हैं पहले उसे। ये फर्जी एनकाउंटर करा रही है सरकार। अजय में 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने, पैर में उनके गोली लगी है, तालिब और सरफराज है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है लोगों के, तो देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लेकिन आप इससे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों आरोपी सरफराज और तालिब है जिनको आज पुलिस एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है। भागने की कोशिश इन्होंने की थी और उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 13 अक्टूबर को जो हत्याकांड गोपाल मिश्रा का अंजाम दिया गया था इन आरोपियों के द्वारा, जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसके बाद अब ये अहम गिरफ्तारी पुलिस को आज पुलिस ने की है, अहम सफलता पुलिस को मिली है। और अब ये केस आगे बढ़ेगा और जांच होगी और भी जो आरोपी वो भी गिरफ्त में आएंगे। लेकिन फिलहाल आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, नीली कमीज में आपको जो आरोपी लेटा हुआ दिखाई दे रहा है वो सरफराज है और काली कमीज में तालिब है। इन दोनों ही आरोपियों को गोली लगी है, इस समय इनका उपचार चल रहा है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसी वैन में ये दोनों आरोपी इस समय लेटे हुए हैं घायल होने के बाद। लेकिन आज पुलिस ने जब दबिश दी, पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की। और अमूमन पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो पहले वार्निंग देती है, लेकिन इन्होंने उस वार्निंग को नजरअंदाज किया और पुलिस ने गोली चलाई और वो गोली इनके पैर में लगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर का एक तरीका भी है और उसमें ज्यादातर आरोपियों को पैर में गोली लगती है। और इन तालिब और सरफराज को भी आज हम देख रहे हैं कि पैर में ही गोली लगी है, यानी भागने से रोकने की सिर्फ कोशिश पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा की गई, मारना मकसद नहीं था। अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जो पुलिस के जवान आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी गाड़ी में, इसी टाटा 407 में ये दोनों आरोपी लेटे हुए हैं इस समय, सरफराज और तालिब की ये तस्वीरें हैं। बहराइच कांड में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन आज किया है। यूपी एसटीएफ के अमिताभ यश, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ा है और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बहराइच में लगातार हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे। परिवार जो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था, खुद मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि बहुत जल्द अंजाम तक इन आरोपियों को पहुंचाया जाएगा। अब्दुल हामिद जो कि मुख्य आरोपी है इस केस का, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो सरफराज और तालिब की भी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रीति जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ मौजूद है। प्रीति, क्या अपडेट?
अब जब ये दो आरोपियों का जब इनकाउंटर हो गया है तो उसके बाद जो है अब बहराइच की स्थिति मैं बता देती हूँ। बहराइच में अब जगह जगह पे जो पुलिस लगी थी उसकी जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है, चप्पे चप्पे जो निगरानी है उसको और ज़्यादा तेज कर दी गई है और पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहे और किसी तरीके की जो पहले जो अप्रिय घटना घटी थी उस तरीके की कोई और घटना ना घटे। तो उसको देखते हुए ये वो एरिया है जो आप मेरे पीछे देख पा रही होगी, जो ये वो एरिया है जहां पर रामगोपाल मिश्रा का घर है और इससे कुछ ही दूरी पर ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जब दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली जा रही थी तब यहीं से जो है वो यहां से निकाला गया था और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि जब रामगोपाल मिश्रा की जब डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था तो यही गांव है और इसी गांव से जो लोग हैं वो डीएम कार्यालय गए थे और वहां पे हिंसा की गई थी और बहुत सारी जो दुकानें हैं वो जलाई गई थी। बिल्कुल प्रीति, और इसीलिए आज ये जो आरोपी दो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सरफराज और तालिब, इनको इस अंजाम तक पुलिस ने, यूपी पुलिस ने पहुंचाया, यूपी एसटीएफ ने पहुंचाया, क्योंकि जो जिसे कहते हैं ना कि तनाव पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए जो काम इन लोगों ने किया वो अब बिल्कुल पुलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसीलिए इनको 13 अक्टूबर को गोली लगी थी गोपाल मिश्रा को और आज ही देखिए ये भी गोली लगे हुए लेटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जिसका जिक्र लगातार करते रहते हैं मुख्यमंत्री, उसी पॉलिसी पर अब आगे बढ़ती हुई यूपी पुलिस और यूपी सरकार दिखाई दे रही है। प्रीति बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है सीएम योगी ने आश्वासन दिया था और लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो शायद प्रीति की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। और देखिए दो तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसी वैन में है आरोपी, घायल आरोपियों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार। ये देखिए ये आरोपी सरफराज है जो नील कमीज में आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, टाटा 407 दूसरी तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, इसी टाटा 407 में ये घायल आरोपी जो है ये लेटे हुए हैं। इस समय पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, आप देख सकते हैं सिपाहियों ने, जवानों ने इसको घेरा हुआ है और पूरे इलाके में इस समय पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। अगर और भी आरोपी होंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जी न्यूज को खास जानकारी दी कि ये सभी आरोपी साथ थे और नेपाल भागने की फिराक में थे जिस दौरान पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है और इनको जो बाकी के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अब्दुल हामिद जो है वो मुख्य आरोपी है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी वैन में है ये आरोपी, आपको मैं लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तारिक लाड़ी भी जुड़ रहे हैं। तारिक साहब क्या कहेंगे अब इस पर, तो सियासत नहीं करेंगे आज तो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाइए और तारीफ कीजिए। पहली बात मैं आपकी बात पर ऑब्जेक्शन करूंगा कि आपने उसको सिरफरा सरफराज कहा था। सिरफरा वो व्यक्ति था जो किसी के घर पे घर की छत पर चढ़कर इस्लामिक झंडा फाड़ रहा था, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि इसने जो काम किया कहा जाता है, अभी जांच भी नहीं हुई है, अभी ये श्योर भी नहीं है कि किसने गोली चलाई थी, और आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि सरफराज ने गोली चलाई। मैंने डिक्लेयर नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तारिक साहब आप थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लीजिए, मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी दी, एसपी ग्रामीण जो है वहां के उन्होंने हमें जानकारी दी और उसके बाद ही हम ये खबर दिखा रहे हैं। अब आगे बोलिए आप। आपने खुद अभी बताया कि इस चीज की अभी जांच होगी, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, शक मत पैदा कीजिए, शक मत पैदा कीजिए। जांच होगी, गोली किसने चलाई ये भी जांच होगी। हाँ। किसने उस व्यक्ति की जो छत पर चढ़कर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति की भी जांच होगी कि किसने उसको प्रोटोनाइज किया था, किसने उसको वहां पे चढ़ने के लिए इंस्टिगेट किया था, वो भी जांच होगी। ठीक है, अभी सब जांच बाकी है। तो इस तरह से किसी भी एक पक्ष को दंगाई कह देना आपको खुद दंगाई साबित करता है। किसने दंगाई कहा है, दंगाई किसने कहा है? आप पिछले 15 मिनट से मैं एंकरिंग कर रही हूं सर, एक भी बार मैंने दंगाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपके कान खुद ही सुन लेते हैं, आपके कान खुद ही सुन ले रहे हैं। 15 साल से आप लोग को देख रहा हूँ और मैं पिछले 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ मैडम, इसलिए उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है? आप जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। तारिक साहब माहौल मत खराब कीजिए,
तारिक साहब माहौल मत खराब कीजिए, अगर गोपाल मिश्रा की गलती है तो गलती सरफराज और तारिक की भी है। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट मैंने दंगाई कहा ही नहीं है। चलिए आपसे बात करना समय जाया करना है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, चलिए हटिए। मैं अब दूसरे ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, घायल आरोपियों की तस्वीर देखिए। सरफराज और तालिब है, समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ। देख लीजिए अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पांच लोगों की, उनमें से दो को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है, ठीक है। अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम दोनों, ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहां पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहां पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम, नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताते हैं, मैं देख के आई विल कम एंड ऑन रागा। रुक जाओ सर, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आपने एसपी साहिबा को सुना, वो जांच कभी कर रही है फिर बताएंगी। ये बता दिया है कि टोटल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सरफराज और तालिब भी हैं, जिनको की पुलिस की गोली से वो घायल हैं। तो इस समय की ये चार बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच के नानपारा में ये एनकाउंटर हुआ है, पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है, और अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से गोपाल मिश्रा एक घर के ऊपर पहुंचे थे, उन्होंने एक इस्लामिक झंडे को उतारने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर इस तरीके की गोली चली थी और उसमें गोपाल मिश्रा की जान गई थी, उसी को लेकर ये बड़ी सफलता यूपी पुलिस को मिली है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, जिस समय अंतिम संस्कार गोपाल मिश्रा का किया जा रहा था हालात काफी बिगड़ गए थे, लेकिन अब पुलिस ने इस पर काबू पा लिया है। और अब क्योंकि पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब ये माना जा सकता है कि ये जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर गोली किसने चला थी और ये गोपाल मिश्रा वहां पर जब पहुंचे थे तो किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इतना बिगड़ गया। Z News।